हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। जैसे कि आप सब जानते हैं कि आरबीआई ने कुछ समय पहले अनाउंसमेंट की थी कि ड्यू टू कोविड-19 अभी सभी ईएमआई में 3 महीने का मॉरेटोरियम मिलने वाला है। एंड उसी के लिए हमने एक वीडियो बनाया था जो आप लोगों ने बहुत अच्छे से देखा, एंड आई एम हैप्पी फॉर दैट। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक यू कि अब हमारी टीम 1100 प्लस की हो गई है फिनटेक चैनल की जाना कहेगी। एंड दोस्तों, आई एम रियली हैप्पी टू शेयर वन थिंग मोर टू यू दैट मेनी क्वेश्चंस हैव केम टू मी। बहुत लोगों ने सवाल पूछे कि मॉरेटोरियम पीरियड क्या है, कैसे है, हमें ईएमआई पे करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, सब कुछ। तो उसके लिए मैं सोचा एक शॉर्ट वीडियो आप सबके लिए बना दूं कि वो काम आएगा आप सबने सबको। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है हम सबके लिए। प्लीज नोट कि आज हम कुछ लाए हैं, सवाल आपके और जवाब हमारे, बाय फिनटेक चाणक्य। एंड मैं हूं सीए समीर चौधरी फ्रेंड्स, जहां आपको मिलती है फाइनेंस एंड टैक्सेशन की आसान समझ एंड लेटेस्ट अपडेट्स। एंड फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे प्लीज लाल वाला देखिए हमें सब्सक्राइब, वहां पे सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन दबाना, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहेगी। फ्रेंड्स, तो आज के सवाल कौन कौन से होने वाले हैं। पहला, सबसे पहला, मॉरेटोरियम बेनिफिट लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, कौन से मॉरेटोरियम का लोन लें हम, बिकॉज अगर किसी पार्टी के 4 से 5 लोन चल रही है तो उन्हें किसका बेनिफिट लेना चाहिए। अगर हम मॉरेटोरियम पीरियड में लेते हैं तो कुछ नुकसान होगा नहीं होगा हमें, इंटरेस्ट पेनल्टी कितनी लगेगी अगर लगेगी तो, बैंक में कैसे अप्लाई करें फॉर दिस मॉरेटोरियम, एंड द लास्ट एंड द मोस्ट क्रूशियल क्वेश्चन, इज इट गोइंग टू अफेक्ट माई सिबिल। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, स्टार्टिंग करते हैं कि मॉरेटोरियम ले या ना ले। दोस्तों याद रखना, जो लास्ट वीडियो का मेरा एंडिंग था, आज ये स्टार्टिंग हो रहा है मेरा। एंड आई वुड अगेन से वन थिंग ओनली दैट इफ यू हैव अ कैश फ्लो, अगर आपके पास फंड है तो आपको उसका मॉरेटोरियम का बेनिफिट नहीं लेना चाहिए, आपको ईएमआई पे करनी चाहिए। क्यों पे करनी चाहिए आपको आगे वीडियो में मालूम पड़ेगा, बिकॉज जो एक्रूड इंटरेस्ट है वो कॉम्पोनेंट आपको मार डालेगा बाद में। आपको रिस्क लेना है यहाँ पे ईएमआई पे करने के लिए, बट कुछ कैलकुलेटिव रिस्क, ऐसा नहीं कि हम पे कर दें बाद में मुश्किल पड़ेगी, बिकॉज फॉरेन कंट्रीज में लॉकडाउन लंबा चल रहा है हमें पता है, इंडिया में भी केसेस बढ़ रहे हैं, सब कुछ है, तो वी हैव टू बी टेक केयर ऑफ दैट थिंग, बिकॉज नो वन हैज सीन द फ्यूचर क्या होने वाला है। बट अगर हम अभी मॉरेटोरियम पीरियड लेते हैं तो आफ्टर 3 मंथ्स वी कैन नॉट मिस एनी ईएमआई, अगर आरबीआई ने उसको एक्सटेंड नहीं किया तो। अब सवाल आता है कि कौन से लोन का मॉरेटोरियम ले के नहीं ले। अगर हम दोस्त बात करते हैं कि कौन से लोन का मॉरेटोरियम पीरियड ले के ना ले, तो आज हम पहले ये देखते हैं कि कौन से लोन पे कितना इंटरेस्ट लगता है हमें। जब उसकी बात करें तो आपको मैं एक बहुत सिंपल वे में आपके लिए लेके आया हूँ कि क्रेडिट कार्ड पे इंटरेस्ट अगर हम लेट पे करते हैं, इट कम्स टू 30-45%। अनसिक्योर्ड लोन, दैट इज जिसको हम बोलते हैं पर्सनल लोन या बिजनेस लोन, दैट इज पीएल और बीएल, इट रेंजेस फ्रॉम 12% to 32%। 12% बहुत अच्छा बिजनेसमैन हो या फिर सीए डॉक्टर्स हो उनके लिए मिलता है। रिटेल लोन्स बहुत बार हमें 0% मिल जाती है, एल्स इट विल बी 9-36%। टर्म लोन हो, इट मे बी ऑफ मशीनरी, इट मे बी ऑफ समथिंग एल्स, सम इक्विपमेंट्स की है, कोई भी अगर लोन हो, कोई मॉर्गेज लोन हो, इट विल रेंज फ्रॉम 9% to 14%। वर्किंग कैपिटल, दैट इज सीसी ओडी, ये सब का इंटरेस्ट रेट फ्रेंड्स 9-13% रेंज होता है मोस्टली। ऑटोमोबाइल्स लोन्स की बात करूँ, व्हीकल्स, टू व्हीलर्स, फोर व्हीलर्स या कॉमर्शियल व्हीकल, इट मोस्टली रेंजेस फ्रॉम 8.5% to 12%। होम लोन्स जो मोस्टली 90% ऑफ दी लोन्स जो होते हैं होम लोन्स होती हैं, that ranges from 7.5% to 11%, and farm loans for agriculture purpose, it ranges for 4% to 6%। तो जब हमने सब इतने सब interest rate गिन लिए हमने, तो अब हम ये check करते हैं कि कौन सी loan का मॉडल हम ले या नहीं ले, and कितना नुकसान होगा अगर ये option हम choose किए तो। Friends, मैंने number लिखा हुआ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, मैंने यहाँ पे farm loan को consider नहीं किया, because interest rate बहुत कम है, and mostly जब भी बात आती है किसानों की, हमारे देश में किसानों को महत्व बहुत मिलता है, एंड मोस्टली उनके लोन के इंटरेस्ट वे हो जाते हैं, बट बाकी सबका नहीं देख सकते। तो अगर जब मैं बात करता हूँ कि कौन सा पहला ईएमआई में पे करूँ, दोस्तों आई वुड से अगर क्रेडिट कार्ड का आपका बिल बाकी है उसका पहले आप ईएमआई पे करना, उसमें मॉरेटोरियम बिल्कुल मत लेना, बिकॉज क्रेडिट कार्ड का बिल में आपको इंटरेस्ट लगेगा 30-45% पर एनम, सभी इंटरेस्ट पर एनम है, एंड दोस्त वो बहुत महंगा पड़ने वाला है। अनसिक्योर्ड लोन हो, अगर पीएल या बीएल हो, इट रेंजेस फ्रॉम 12 टू 32%, उसको सेकंड पे करना।
रिटेल लोन को थर्ड पे करना, टर्म लोन हो उसको फोर्थ में आप प्रायोरिटी रखना, फिफ्थ वर्किंग कैपिटल, सिक्स मोटर ऑटोमोबाइल एंड सेवन थी होम लोन। अगर आपके पास तीन से चार लोन चल रही है जिसमें आपको मैंने यहाँ से दिखाया है, तो आप सबसे पहले ये सोचना अगर होम लोन आपकी है तो उसमें मॉडर्न पीरियड ले सकते हैं, अगर क्रेडिट कार्ड का बिल है उसमें मॉडर्न पीरियड बिल्कुल मत लेना दोस्तों, उसको पे कर देना इफ पॉसिबल, बिकॉज नहीं तो आपको वो ब्याज मार डालेगा। एंड इट सेज कि अगर हम अपने प्लानिंग प्रॉपरली नहीं करते इट रियली इज गोइंग टू हर्ट अस। तो देखिए फ्रेंड, क्रेडिट कार्ड को मैं पहला रखा है एंड होम लोन को लास्ट रखा है, बट इफ यू हैव अ फंड स्टिल आई एम टेलिंग तो सब पे कर देना, चिंता मत करना दोस्तों। बात आती है अब कि बैंक में हम ये मॉडर्न के लिए अप्लाई कैसे करें, बिकॉज बहुत सारे लोगों का सवाल है समीर भाई अप्लाई करना नहीं मालूम पड़ रहा है। मैंने लास्ट वीडियो में कहा था, वापस कह रहा हूँ आपको मैं, कि अभी बहुत सी बैंकों ने एक अपने पोर्टल पे डाल दिया जहाँ लोगों को मैसेज या मेल मिला होगा, तो यू कैन अप्लाई थ्रू दैट बैंक वेबसाइट और पोर्टल। उसमें पॉइंट्स आता है मोस्टली, पोर्टल की बात करें कस्टमर पोर्टल होता है उसमें से आप इजिली अप्लाई कर सकते हैं। और यू मे गिव एप्लीकेशन लेटर टू बी गिवन टू बैंक, अगर आप नहीं कर पा रहे यू कैन गिव अ लेटर टू बैंक, आप लॉकडाउन में नहीं कर सकते यू एटलीस्ट सेंड अ ईमेल। आपको मैं इसमें सबके सब मैं ईमेल में आपको लिंक दूंगा सभी वेबसाइट्स की, और आप मेरे मेल आईडी पे जो आपको मेरे चैनल पे मेरी मेल आईडी मिल जाएगी, यू कैन मेल में दैट या आप मुझे कमेंट पर लिखिए अपना ईमेल आईडी के साथ में या मुझे पर्सनल में, आई विल सेंड यू लिस्ट ऑफ ऑल द बैंक्स जिसको आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और टॉक टू कस्टमर केयर, सर कुछ भी पॉसिबल नहीं, कल एक फोन आया मेरे पास, सर मेरा ईएमआई 2 तारीख को कटने वाला है, कुछ पॉसिबल नहीं और क्या करूं मैं, डोंट बी पैनिक। आरबीआई ने अनाउंस किया है यू विल गेट अ बेनिफिट ऑफ दैट, थोड़ा लेट मिलेगा पर आपको बेनिफिट मिलेगा, डोंट बी पैनिक ऑन दिस सिचुएशन, आपके हाथ में नहीं है। तो इंटरेस्ट पेनल्टी कितनी लगने वाली है, अगर बात करें इंटरेस्ट पेनल्टी की, तो इंटरेस्ट विल बी एज पर योर एप्लीकेबल इंटरेस्ट रेट जो आपका है, उससे ज्यादा कभी कोई बैंक नहीं ले सकती, इसमें ध्यान रखना। एंड जैसे अगर SBI की बात करूं और बहुत सारे नेशनलाइज बैंक है जिन्होंने अपना इंटरेस्ट रेट पहले से कम कर दिया, जो RBI ने अनाउंस किया था अप्रैल के बाद में आपको लोअर इंटरेस्ट रेट लगने वाला है, देर विल बी नो एनी पेनल्टी और चार्जेस इन दिस थिंग। मैं ये सलाह दूंगा अगर क्रेडिट कार्ड की बात करूं मैं, तो अगर हो सके तो मिनिमम ड्यू पे कर दो एंड उसके लिए कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगने वाला फ्रेंड्स। Whether it is going to affect my civil? No, it is not going to affect your civil because 3 महीने तक ऐसे भी आपका NPA नहीं आता है and mostly जो बैंक लोगों ने अपनी गाइडलाइंस में बोला है they are not going to inform the credit society for the same. So friends, now we have a multiple options where we are talking about best, better and good and I assure you कि आप best पे जाओगे। And दोस्तों अगर इसमें आपको अभी भी कुछ डाउट हो, यू जस्ट मेल मी, यू जस्ट मैसेज मी, आप कमेंट में बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। एंड आज भी दोस्तों बहुत लोगों को मुश्किल हो रही है जो इसी डाउट पे है कि मॉडर्न पीरियड क्या है, वेव है क्या है। अगर आपको और भी कुछ डाउट हो यू कैन कमेंट मी, बताना ये वीडियो कैसा लगा। एंड जिसको ये वीडियो की जरूरत है, आपके फ्रेंड्स जिसकी लोन चल रही है, शेयर विद द मैक्सिमम फ्रेंड्स, लाइक शेयर सब्सक्राइब टू आवर चैनल फिनटेक चाणक्य, तो आपके लिए हम और भी ऐसी अच्छी अच्छी न्यूज़ और अच्छी अच्छी चीजें ला सके फ्रेंड्स। थैंक यू, थैंक्स।